शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी मध्य विद्यालयों के लिए एक निर्धारित मानक और मापदंड बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यालयों में 1 से 5 तक कक्षा के लिए 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जबकि बक्सर ब्लॉक के वार्ड नंबर 24 में राजकीय डीके कन्या मध्य विद्यालयों में, जिसमें छात्राओं की संख्या 300 है, उसमें सिर्फ एक महिला प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत पर हैं। टीचर की कमी है, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं होती। एक ही टीचर है, वो सारा काम उधर देखती है, खाना का देखभाल करती है, अटेंडेंस बनाती है, फिर बच्चों को भी संभालती है, फिर कभी ज़्यादा टाइम मिलता है तो हिंदी और मैथ पढ़ा देती है। आपके विद्यालय में कुल कितने टीचर हैं? एक भी नहीं है। और बच्चे कितने हैं? 280। तो आपके विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई कैसी होती होगी? अब बहुत समस्या है बच्चों के लिए, 1 से 8 तक मम्मी को सब करना पड़ता है, 1 से 8 तक हाजिरी लेना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा है, टीचर नहीं रहने से बहुत बाधा उपस्थित हो रही है, ये सिस्टम की गड़बड़ी है। हम तो DO के पास भी मांग किए हैं, डायरेक्टर के पास भी लिखे हुए हैं, सब जगह सूचना हमने दे दिया, अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उल्टे 3-3 विद्यालय शिफ्ट कर दिया गया, ये जिला का महिला विद्यालय कन्या विद्यालय है यहाँ का, और इसमें 3-3 विद्यालयों के आ जाने से बहुत समस्या और विकट हो गई है। और समय मिलता है तो 1-2 घंटे हम ले लेते हैं हिंदी और गणित का, और हम एक हैं तो किस किस क्लास में जाएंगे। आप क्या चाहती हैं मैडम? हम यही चाहते हैं कि यहाँ टीचर की बहाली हो, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार न करे, 30 बच्चे पर एक टीचर का नियुक्ति करे यहाँ पर, ताकि हम बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल अच्छा से करवा सकें। यही हम चाहते हैं सरकार से, यही उम्मीद रखते हैं। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि इस राजकीय डिग्री कन्या मध्य विद्यालय में बच्चियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की बहाली की जाए। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूं कि पटना रीजनल डायरेक्टर RDD का मोबाइल नंबर 85 44 41 21 78 पर कॉल कर मेरी मदद करें, ताकि ये राजकीय डिग्री कन्या मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली की जाए। मैं ममता, जिला बक्सर, इंडिया अनहट के लिए।